सोलर एनर्जी, जिसका वन एंड ओनली सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार सन, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक सोलर पैनल की। ये सोलर पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मुझे तो करना है एक्सपेरिमेंट, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सन को हटाया जाए और इस सोलर पैनल को दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाए जो कि लाइट को एमिट करती हैं। हंड्रेड वाट का बल्ब, 7 वाट का बल्ब और 5 वोल्ट की एलईडी टॉर्च और एक जियोफोन, इसमें भी 1 mm की एलईडी लगी होती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सामने मैं सोलर पैनल को रखने वाला हूँ और ये देखने वाला हूँ कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये नहीं है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या फिर नहीं, असली क्वेश्चन तो ये है कि सोलर पैनल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सन की सिर्फ लाइट एनर्जी चाहिए होती है, फिर उसकी हीट की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें से जो ये 100 वाट का बल्ब है, ये हीट और लाइट दोनों देता है, लेकिन बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हीट एनर्जी बहुत ही कम जनरेट होती है। तो अगर सोलर पैनल उन सभी ऑब्जेक्ट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि सोलर पैनल को सन की बस लाइट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी नहीं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा सेटअप कर दिया है। यहाँ पर सोलर पैनल है, यहाँ पर 7 वाट की एलईडी है और ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसके अंदर 10 mm की ग्रीन कलर की एलईडी है। इसे पे मुझे किसी प्रोजेक्ट में लगाना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया है। तो आप इस बीच वाली एलईडी को ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इस बल्ब को जलाऊंगा, अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये एलईडी भी ग्लो करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बल्ब को जलाया, ये एलईडी भी ग्लो कर रही है और काफ़ी ब्राइटली ग्लो कर रही है। इसका मतलब 7 वाट की एलईडी बल्ब से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अब इस 100 वाट के बल्ब के साथ ट्राई करते हैं, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पक्का जनरेट होगी। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब से तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आप देख सकते हैं ये एलईडी बहुत ही ब्राइटली ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब इस 5 वोल्ट एलईडी के साथ ट्राई करते हैं। इसे मैंने इस 5 वोल्ट चार्जर में कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसे इस बोर्ड में लगाऊंगा, ये ग्लो करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना ब्राइट है। और अब आप इस एलईडी पर ध्यान दीजिएगा, ये जलता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसे सोलर पैनल के सामने रखा, ये एलईडी कितनी ब्राइटली ग्लो कर रही है। तो इस 5 वोल्ट की एलईडी के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बहुत ही अच्छे से। अब इस टॉर्च के बारे है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्योंकि ये बहुत ही कम पावर का है। फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, इस टॉर्च से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टॉर्च में एलईडी फिक्स है वो काफ़ी कम पावर की है। लगे हाथ तो इस जियो फोन के एलईडी से भी ट्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जियो फोन के एलईडी लाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन ये बहुत ही कम है। ऐसा भी हो सकता है कि जितने ऑब्जेक्ट्स मैंने ट्राई किए उसमें थोड़ी बहुत जो हीट जनरेट हो रही थी उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं फ्रिज के अंदर जो लाइट होती है उससे ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये जो लाइट है ये फ्रिज के अंदर होती है और इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो ये हीट तो जनरेट नहीं करती है, बस ये लाइट ही देती है। तो इसके साथ ट्राई करते हैं। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। इससे ये प्रूफ हो गया कि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हीट का कोई रोल नहीं है, इसे बस लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि सोलर पैनल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सन की सिर्फ लाइट एनर्जी चाहिए होती है, ना कि उसकी हीट एनर्जी। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।